4 करोड़ का बकाया है और भारतीय एजेंसियों ने माल्या को भगोड़ा भी घोषित कर रखा है। तो कुल मिलाकर माना जाए कि ब्रिटेन की जो अदालत है उसने भारत की तरफ से जो दस्तावेज पेश किए गए उसके आधार पर इनकी गिरफ्तारी हुई है, तो ये एक बड़ी कामयाबी इसको माना जाए। देखिए बिल्कुल बड़ी कामयाबी है क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग के तहत इस पूरे मामले में गिरफ्तारी हुई है विजय माल्या की, और इससे पहले भी सीबीआई ने भी इसके खिलाफ मामला दर्ज किया था। ईडी भी लगातार कार्रवाई कर रही थी, वहां की स्थानीय अदालत में भी विजय माल्या के खिलाफ जो तमाम जो सबूत हैं वो हमारी एजेंसियों ने पेश भी किए थे। इसके साथ ही ईडी और सीबीआई भी लगातार इस बात की कोशिश कर रही थी कि विजय माल्या है उसको जो भारतीय जो सुरक्षा एजेंसियां उनके सरेंडर किया जाए, उनको सौंपा जाए, तो उसको लेकर लगातार लंबे समय से जो सीबीआई है और वो ईडी है उनकी जो टीम है वो वहां लगातार कोशिश कर रही थी। इसके अलावा कूटनीतिक स्तर पर भी मैं बता दूं कि बात लगातार चल रही थी कूटनीतिक स्तर पर भी। जब ब्रिटेन की प्रधानमंत्री यहां पर आई थी तो उस समय जो मोदी है नरेंद्र मोदी उन्होंने भी कह सकते हैं कि अनौपचारिक जो बातचीत है उसमें इस बात का जिक्र किया था, और खास तौर से अब कह सकते हैं कि जो मेहनत है वो रंग लाई है और विजय माल्या को गिरफ्तार किया गया है। अब उम्मीद की जा रही है कि जो भारतीय एजेंसियां हैं खासतौर से ईडी और जो सीबीआई वो लगातार इस केस को लेकर लंदन की अदालत में भी तमाम दलीलें रख रही थी, तो उनकी जो राह है वो आसान होती दिखाई दे रही है और उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही विजय माल्या भारत का भी जो हमारी ईडी और सीबीआई है उसको भारत लेकर भी आएंगी। बिल्कुल नीरज, तो आप हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता सिद्धांत सिब्बल। सिद्धांत, प्रवर्तन निदेशालय की एक टीम जो है भगोड़े विजय माल्या के खिलाफ आरोप पत्र जमा करने के लिए लंदन पहुंची थी, तो उन दस्तावेजों को वहां की अदालत ने सही माना है, इसके आधार पर उनकी गिरफ्तारी हुई है, तो एक तरीके से प्रत्यर्पण की राह आसान होती नजर आती है आपको? कहीं ना कहीं भारत तो अपनी तरफ से कोशिश कर ही रहा है, डिप्लोमेटिक मींस काफी दिन तो नहीं बोलूंगा महीनों से भारत कर रहा है ताकि उनका एक्सट्रेडिशन हो सके, और डिप्लोमेटिक चैनल्स में बहुत सारी मीटिंग्स भी हुई है यूके इंडिया के बीच में, जो उनके उनके जो हमारे जो होम डिपार्टमेंट है और उनका जो काउंटर पार्ट है उनकी मुलाकात हुई थी भारत में ही, और मेरे ख्याल से 2 महीने पहले ही हुई थी, और उस मुलाकात के अंदर भी ये कहीं मसला नहीं एम्फोसाइज हुआ कि हाँ क्या ये डिस्कस हुआ था, बट हाँ जनरल जो काउंटर्स थे जो ऑब्वियसली डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में ऐसे बोल नहीं सकते कि हमने विजय माल्या को भी डिस्कस करा, तो कहीं ना कहीं वो डिस्कस हुआ ही होगा। और मैं आपको ये भी बता दूं कि G20 के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई थी यूके के प्राइम मिनिस्टर थेरेसा मे से, और तब भी ये बड़ा मसला डिस्कस हुआ था और इस मसले के ऊपर फोकस रहा था। तो मैं आपको बता दूं आज डीडी न्यूज को डायरेक्टली जो क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विसेज है जो यूके की प्रोसिक्यूशन सर्विसेज है उन्होंने डायरेक्टली ये इंफॉर्मेशन दी कि उनको अरेस्ट कर लिया गया है, और आज जो मैजिस्ट्रेट कोर्ट है उसके अंदर उनके खिलाफ और भी केसेस और भी इशू मतलब जो केसेस इशू डाले जाएंगे वो भी डाले जाएंगे, एडिशनल इनपुट डाले जाएंगे, और इससे इसमें एक्सपेक्टेड ये भी है कि मनी लॉन्ड्रिंग का जो इशू है वो भी आ सकता है। तो वेस्ट मिनिस्टर मैजिस्ट्रेट कोर्ट है उसके अंदर ये जो केस है अभी इस वक्त जो है उसके अंदर मोर डिटेल्स भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं किसी वक्त भी। पर मैं आपको ये बता दूं कि बड़ी खबर इसलिए है क्योंकि भारत बहुत महीनों से कोशिश कर रहा था कि वो वापस आ जाएं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो एक भगोड़े हैं और भारत एक तरफ से छोड़ के जा चुके हैं, और भारत ऑब्वियसली उनको एक इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी है गवर्नमेंट के लिए, वो प्रायोरिटी हम देख भी सकते हैं। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि भारत सरकार ने ये हाईएस्ट लेवल पर डिस्कस करा है यूके गवर्नमेंट से उनके एक्सट्रेडिशन का उनके डेपोटेशन का वापस भारत के अंदर। मैं आपको बता दूं केस की थोड़ी हिस्ट्री, जो किंगफिशर इशू था पूरा इशू उस इशू के अंदर कहीं ना कहीं उन्होंने जो जो भारतीय बैंक है उनका जो काफी पैसा है वो कहीं ना कहीं खाया था। बिल्कुल सिद्धांत, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अगर हम इस केस के बैकग्राउंड की बात करें, अगर हमारे दर्शक जानना चाहें कि विजय माल्या पर आखिर कौन कौन से आरोप लगे हैं और वो कितना पैसा बैंकों का जो बकाया है वो नहीं चुका के यहां से भागे हैं, और उसके बाद जो बैंकों की तरफ से या अदालत की तरफ से कार्रवाई हुई है, क्या वो आप बताना चाहेंगे? मैं आपको एक चीज बता सकता हूँ, एक टाइम पर उनको कहा जाता था किंग ऑफ गुड टाइम्स, बट आज उन्हें कहा जाता है किंग ऑफ बैड टाइम्स। करीब
17 इंडियन बैंक्स करीब एक्सपेक्टेड है कि 9,000 करोड़ रुपए उनको वसूलने हैं विजय माल्या से. 9,000 करोड़ रुपए एक बड़ी रकम होती है बैंक्स के लिए, और ऐसे टाइम में जब एनपीए एक बड़ा इशू रहा है पिछले दो सालों में, जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है बैंक्स की, वो एक बड़ा इशू रह चुका है, और उसको लेकर बैंक्स को ले प्रॉब्लम है क्योंकि वो लोन डिसबर्समेंट में कहीं ना कहीं मुश्किल आती है. और मैं आपको ये बता दूं कि अगर बैंक्स की एनपीएस बढ़ते हैं तो उनके जो 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 उनको और लोगों को अगर क्रेडिट देना होता है उसमें थोड़ी मुश्किल आती है, तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली इम्पैक्ट करता है उन छोटे व्यापारियों को जिनको पैसे की काफी जरूरत होती है. तो 9,000 करोड़ रुपए बैंक्स को विजय माल्या से लेने हैं. और मैं आपको ये बता दूं कि मनी लॉन्ड्रिंग का एक बड़ा मसला है, वो एक्सपेक्टेड है कि आज एड हो जाए जब कोर्ट के अंदर वो केस आएगा वेस्ट मिनिस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट के अंदर. बिल्कुल सिद्धांत, आप हमारे साथ बने रहिए. तो सबसे पहले विजय माल्या की गिरफ्तारी की खबर डीडी न्यूज ने दी है, और इस बीच हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता योगेश शीतल मुंबई से. योगेश, विजय माल्या का काफी बड़ा कारोबार मुंबई में भी फैला है और उनकी बहुत सारी संपत्ति को लेकर नीलामी की प्रक्रिया भी वहां पर जारी है, और आज उनको जब लंदन में गिरफ्तार किया गया है तो भारतीय एजेंसियों के लिए कितनी बड़ी कामयाबी है. मैं प्रवर्तन निदेशालय की बात करूं क्योंकि ईडी में ये मामला आया था जब मनी लॉन्ड्रिंग का ये मामला है, जिसमें मुख्य रूप से अगर हम कहें कि विजय माल्या के खिलाफ कई सारे मामले चल रहे हैं, सिर्फ ये एक मामला नहीं है. इसके खिलाफ टीडीएस का भी मामला चल रहा है, जो केस रिलेटेड था टीडीएस को लेकर. इसके अलावा जो डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल में है वहां पे इनके खिलाफ मामला चल रहा है, सेबी से कुछ मामले जो है वो भी इनके खिलाफ चल रहे हैं. कुल मिलाकर अगर मैं आपको कहूं तो काफी सारे मामले हैं जिसमें इनकी तलाश थी, और काफी समन्स भी जारी किए गए थे प्रवर्तन निदेशालय के द्वारा जब मुंबई पीएमएलए कोर्ट जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग की विशेष अदालत है वहां पे जब ईडी आई थी वहां पे काफी समन्स पहले इशू किए गए थे. 3 समन्स इशू किए थे प्रवर्तन निदेशालय ने, लेकिन उस समन्स का जवाब नहीं दिए थे. एक बार इन्होंने वकील के माध्यम से ये कहलवाया था प्रवर्तन निदेशालय जो की एजेंसी है कि वो आ नहीं सकते, लेकिन वो किसी भी सवाल का जो है जवाब वो इलेक्ट्रॉनिक जो माध्यम है उसके जरिए दे सकते हैं, जिसको ईडी ने एक्सेप्ट नहीं किया था. और फिर उसके बाद नॉन अवेलेबल वारंट जो है वो इशू किया गया था इसी साल जुलाई में, नॉन अवेलेबल वारंट इशू किया गया था. उसके बाद सबकी नजर थी कि आगे की कार्रवाई क्या होगी. निश्चित तौर पर ये जो अभी की गिरफ्तारी है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस तरीके से सिद्धांत सुधाकर और नीरज बता रहे थे दिल्ली से कि ये गिरफ्तारी इसीलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ईडी ने सरकार सीबीआई के जरिए, जो कि सीबीआई ऐसे मामलों में सीबीआई ही नोडल एजेंसी होती है, जब कोई अगर अभियुक्त है अगर वो देश के बाहर है तो सीबीआई बेसिकली जो है नोडल एजेंसी होती है. सीबीआई के थ्रू अप्रोच किया गया था, और फिर अलग अलग स्तरों पर डिप्लोमेटिक लेवल पे, जिस तरह से सिद्धांत ने अंडरलाइन भी किया कि डिप्लोमेटिक लेवल पे कई स्टेप्स लिए गए हैं तब जाकर ये जो है ये गिरफ्तारी हुई है. हालांकि अभी काफी कुछ इसमें देखना बाकी है कि गिरफ्तारी जो हुई है उसके बाद जो है आगे की कार्रवाई क्या होती है वहां के जरिए, लेकिन एक चीज जो है वो निश्चित तौर पर प्रवर्तन निदेशालय के लिए एक बहुत बड़ी राहत होगी. और जिस तरीके से बैंक लोन का मामला काफी लाइट में आया था और काफी चर्चा के केंद्र में रहा था, क्योंकि जिस तरीके से एनपीए का इशूज है, कई सारे इशूज अगर हम बैंकिंग को लेकर देख लें तो बड़ी खबर थी, और आज जो है ये निश्चित तौर पर गिरफ्तारी जो है काफी मायनों में बहुत ही महत्वपूर्ण है. जी जी बिल्कुल योगेश, आपने बताया कि कई सारे मामले चल रहे हैं, कई बैंकों का हजारों करोड़ रुपया इनको अदा करना है. इसके अलावा ईडी की तरफ से ये भी एक दस्तावेज सामने आया था कि इन्होंने अपना जो पैसा है उसको कर चोरी करने के लिए टैक्स हेवन देशों में अपना पैसा छुपाया है, तो ये भी इनके ऊपर आरोप हैं. जी बिल्कुल, देखिए ईडी ने जब ऑलरेडी जब इस मामले में चार्जशीट फाइल की थी, जब प्रवर्तन निदेशालय ने इस मामले में चार्जशीट फाइल किया था तो काफी चीजों को जो है चार्जशीट पे समाहित किया गया था, जिसमें ये भी शामिल था कि कई जो रुपये हैं उसको किस तरीके से ऐसी जगहों पे रखा गया है ताकि कर से बचा जा सके. टैक्स एविजन वो कर चोरी का एक बहुत बड़ा मामला जो है वो इनके खिलाफ था, और ईडी ऑलरेडी इस मामले में जो है चार्जशीट फाइल कर चुके हैं, जिसमें कहा गया है कि 417 करोड़ रुपया जो है वो इन्होंने देश से बाहर जो है वो उस जगह पे डाला था जहां पे जो है वो टैक्स से किसी भी तरीके से टैक्स से बच सके. इसके अलावा हालांकि ईडी ने इस मामले को काफी व्यापक तरीके से इसमें इन्वेस्टिगेशन किया था, कैसे के जो सीनियर ऑफिसर है उनको भी इसमें जो है अभियुक्त बनाया गया है, उनके खिलाफ भी चार्जशीट, कुल 9 लोग हैं जिनको इसमें चार्जशीट फाइल जिनके खिलाफ चार्जशीट फाइल की गई थी.
तो टैक्स चोरी का जो मामला है ही, लेकिन टैक्स चोरी के अलावा जिस तरीके से अलग अलग कंपनियों में अग्राम सेल का, हालांकि अभी ये पूरी जांच के विषय से भी आगे विजय माल्या ने क्या क्या किया है इस मामले में, पैसे को किस किस रास्ते से डाइवर्ट किया गया है, वो फिलहाल जो है वो जब तक वो खुद सामने नहीं आते, जब तक उनको डिपोज नहीं किया जाता, जब तक ईडी या जो भी एजेंसी है वो उनके पूछताछ नहीं करती, काफी चीजों का खुलासा जो है वो भी होना बाकी है। अभी हम कह सकते हैं कि पहली सफलता जो है वो इंडियन एजेंसी को इस वक्त लगी है। बिल्कुल, और इस बीच हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता नीरज सिंह। नीरज, आप एजेंसियों को कवर करते हैं, ईडी हो या और अन्य एजेंसियां हो, कितनी बड़ी कामयाबी है, क्योंकि लगातार इनको प्रत्यर्पण को लेकर कोशिशें जारी थी। एक बार पहले भी इनकी गिरफ्तारी हुई थी, आपको याद होगा कुछ महीने पहले, लेकिन तत्काल ही इनको तुरंत ही रिहा भी कर दिया गया था। तो अब जो ये गिरफ्तारी हुई है, ये कितनी बड़ी कामयाबी एजेंसियों के लिए है, और साथ ही साथ जो कूटनीतिक चैनलों से ब्रिटेन के साथ बातचीत जारी थी उसमें सफलता है? देखिए, बिल्कुल, ये एक पूरा का पूरा एक सामूहिक प्रयास है, क्योंकि केवल एक ही के माध्यम से नहीं कह सकते कि केवल ईडी के माध्यम से, क्योंकि सरकार भी लगातार कोशिश करती रही थी, क्योंकि इससे पहले भी ईडी ने क्राउन प्रोसिक्यूशन कार्यालय में 5,500 पेज का एक दस्तावेज विजय माल्या के खिलाफ जमा कराया था, और उसको लेकर भी काफी सकारात्मक जो वहां की जो प्रोसिक्यूशन का जो कार्यालय है उसका काफी सकारात्मक रूप देखने को मिला था, क्योंकि इससे पहले भी विजय माल्या को गिरफ्तार किया जा चुका है, क्योंकि वेस्टमिंस्टर कोर्ट ने उनको जमानत दे दी थी, लेकिन अब तमाम सारे जो सबूत हैं उनको लेकर ईडी की टीम पहुंची थी विजय माल्या के खिलाफ, और वहां पर जो तमाम एजेंसियां हैं उनको जो सबूत हैं वो उपलब्ध कराए, और उसी का नतीजा है कि विजय माल्या को गिरफ्तार किया गया मनी लॉन्ड्रिंग मामले में। और कह सकते हैं कि ईडी की एक बड़ी कामयाबी है, क्योंकि पिछले साल 30 मार्च 2016 को खुद सुप्रीम कोर्ट ने इस बात का जिक्र किया था, ये आदेश दिया था कि व्यक्तिगत रूप से विजय माल्या उनके सामने पेश हो, तमाम सारे आदेशों के बाद कोर्ट के, लेकिन विजय माल्या भारत नहीं आया। उसके बाद हमारी तमाम एजेंसियां, चाहे सीबीआई हो, ईडी हो, वो अपनी लगातार जो कोशिशें विजय माल्या की गिरफ्तारी के लिए, विजय माल्या को भारत लाने के लिए कोशिशें करती रही, तो ये कोशिशें अब रंग लाती दिखाई दे रही हैं, और विजय माल्या को गिरफ्तार कर लिया है। अब जो तमाम हमारी एजेंसियां हैं, अगर हम ईडी का जिक्र करें तो ईडी कोशिश करेगी कि विजय माल्या को भारत लाया जाए और उसके खिलाफ यहाँ पर मुकदमा चलाया जाए, क्योंकि आपराधिक मामला भारत में उसके खिलाफ दर्ज है। तो अब जो कोर्ट है उसके सामने यही दलीलें ईडी पेश करेगी कि विजय माल्या के खिलाफ कई सारे जो मामले हैं वो भारत की अदालत में दर्ज हैं, और एक भगोड़ा ये अपराधी है, 9,000 करोड़ के करीब जो बैंक की जो रकम है वो ये लेके भागा है। तो निश्चित तौर पर अब प्रवर्तन निदेशालय की कोशिश होगी कि विजय माल्या को जल्द से जल्द भारत लाकर कानून के कटघरे में खड़ा किया जाए। बिल्कुल नीरज, अगर हम ईडी और सीबीआई की बात करें तो एक चार्जशीट जो है इनके खिलाफ पहले ही दाखिल हो चुकी है, और इसके अलावा जो विजय माल्या का कारोबार है, कई संपत्तियों को भी जब्त करने की प्रक्रिया चल रही है, कई पर नीलामी की प्रक्रिया भी चल रही है, और अब जबकि मामला जो है इंग्लैंड के वेस्टमिंस्टर कोर्ट में सुनवाई हो रही है, तो क्या भारत की दलीलों को माना जाए कि कोर्ट ने माना है सही और उसके आधार पर इनकी गिरफ्तारी हुई है, तो और आने वाले समय में इनके प्रत्यर्पण को लेकर एक राह खुलती नजर आती है? देखिए, बिल्कुल राह खुलती नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से दूसरी बार विजय माल्या को गिरफ्तार किया, क्योंकि इससे पहले भी विजय माल्या को गिरफ्तार किया और उसके बाद जो कोर्ट है उन्होंने जमानत उसको दे दी, उसके बाद हमारी तमाम एजेंसियों ने इस बात की कसरत की कि कौन सी चीज है, कौन कौन सी बातें हैं जो वो कागज पेश नहीं कर पाए और जिसकी वजह से विजय माल्या को जमानत मिली, उन सभी कागजों को दुरुस्त किया हमारी एजेंसियों ने। अगर खासतौर से हम ईडी का जिक्र करें तो उन्हीं के साथ वो जो संबंधित जो अदालत है वहां पर पहुंची है, इसके अलावा संबंधित विभाग में भी इस बात की जानकारी दी गई थी कि विजय माल्या के खिलाफ तमाम जो मामले हैं वो भारत के न्यायालयों में चल रहे हैं, और उसके खिलाफ वो भगोड़ा एक अपराधी है और 9,000 से ज्यादा करोड़ की जो बैंक की रकम है वो लेके यहाँ से भाग चुका है, उसके खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं, सुप्रीम कोर्ट ने उसको खुद पेश होने के लिए, व्यक्तिगत पेश होने के लिए कहा था, उसके बाद भी विजय माल्या यहाँ पर पहुंचा नहीं। तो निश्चित तौर पर तमाम सारे सबूत अब न केवल कोर्ट में रखे गए होंगे, बल्कि जो अगर हम लंदन की बात करें तो वहां की सरकार है उसके सामने भी तमाम सारे जो तथ्य हैं वो कूटनीतिक रूप से लगातार कोशिशें होती रही थी, तो उसकी कह सकते हैं कि एक बड़ी सफलता मिली है ईडी को। और जब दूसरी बार विजय माल्या को गिरफ्तार किया है, अब ईडी की दलील यही होगी कि विजय माल्या को जल्द से जल्द वहां की जो अदालत है उनको संतुष्ट करें, तमाम सारे जो कागजातों को पेश करके कि विजय माल्या में भारत में ले जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके खिलाफ आपराधिक मामला है और उसके तहत इस पर जो कार्रवाई है वो भारत में होनी है। तो निश्चित तौर पर अब ईडी की कोशिश यही होगी कि विजय माल्या को जल्द से जल्द भारत लाया जाए।
जी बिल्कुल नीरज, इस पूरी जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। और साथ ही साथ सुधाकर दास, सिद्धांत सिब्बल और मुंबई से योगेश शीतल, आपका भी शुक्रिया। तो इस वक्त की बड़ी खबर, कारोबारी विजय माल्या मनी लॉन्ड्रिंग मामले में लंदन में गिरफ्तार। इसी के साथ अभी